सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद की 10वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का 5वां ब्राह्मण आज प्रारंभ होगा और इस संसार को समझने के लिए अलग अलग ढंग से ये बातों को रखते हैं। पीछे भी बहुत सारी बातें रखी और उन बातों को कहते कहते ही बहुत सी विशेष बातें सम कह जाते हैं, कुछ उपदेश की बातें कह जाते हैं और प्रयोजन तो इनका आगे का गहरा तो वो रहता ही है। और भाषा ऐसी रहती है जो रहस्यमय हो, सीधे सीधे समझ में नहीं आती है, पहेली की तरह से लगने लगती है उसको है। फिर उसको खोलते भी हैं, बताते भी हैं, फिर भी वो विचारने के लिए अवसर रहता है कि इसमें और क्या चीज हो सकती है और ये कहना क्या चाहते हैं। उसमें हम एकाग्र होते हैं, एकाग्र होकर फिर और सोचते हैं उसको। तो देखिए इसकी प्रथम कंडिका, यत सप्त अन्नानी मेधया तपसा अजनयत पिता। पिता ने, ये पिता है कौन? जगत पिता परमात्मा। उसने सप्त अन्नानी, सात प्रकार के अन्नों को मेधया तपसा अजनयत, मेधा तप से उत्पन्न किया। मेधा बुद्धि को कहते हैं, ज्ञान का प्रतीक है और तप कुछ परिश्रम कर्म उसका प्रतीक है। और मेधया तपसा उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, ज्ञान रूप तप भी कह सकते हैं इसको। अभिधा तपसो ध्यजायत उसके लिए भी कहते हैं, परमात्मा ने इस संसार को कैसे बनाया, उसके ज्ञान रूप तप से ये बनाया। ज्ञान ही उसका मुख्य तप है, वो ज्ञान ही इतना विशिष्ट है, इतना परिपूर्ण है, उसी के आधार पर ये सारा बना है। केवल कर्म से तो कुछ नहीं हो सकता था, इसकी जितनी विचित्रता है, गंभीरता है, सामंजस्य है, वो तो अति उत्कृष्ट सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर ये सारा है। तो ज्ञान रूप तप से, तो मेधाया तपसा दो अलग अलग ढंग से देख सकते हैं, मेधा यानी ज्ञान और तप। ज्ञान भी था और ज्ञान पूर्वक उसने तप किया, कर्म किया और तो ये सृष्टि बनी, ये सब बनाया, सात प्रकार के अन्नों को बनाया। अब हम अन्न का मतलब जो समझते हैं वो अन्न एक अलग होता है, वो भी है कि भाई कितने तरह के अन्न हम खाते हैं, तो कई तरह के अन्न खाते हैं। तो परमात्मा ने सात प्रकार के अन्न बनाए। अन्न उनको कहते हैं जिससे हमारे को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, हमारा में प्राण मिलते हैं, कार्य चलता है हमारा। तो यत सप्त अन्नानी मेधया तपसा अजनयत पिता, पिता ने सात प्रकार के अन्न बनाए। अब उन सात अन्नों में सात अन्न कौन से हैं वो नहीं खुलाया अभी, सात प्रकार के अन्न बनाए हैं। फिर आगे कहते हैं एकम अस्य साधारणम, इन सात अन्नों में से एक अन्न ऐसा है जो साधारण है, सामान्य है। तो ये जो सात प्रकार के अन्न थे उसमें से एक अन्न ऐसा था जो साधारण बनाया। साधारण का मतलब जो सबके लिए है, विशेष नहीं है। कोई अन्न किसी के लिए हो वो विशेष कहलाएगा और जो साधारण है तो वो तो ठीक है, सामान्य हो गया। एक अन्न ऐसा बनाया जो साधारण बनाया, और वो सात अन्न कौन से है वो अभी कुछ नहीं बोला है, इसके अंदर रहस्य है। और वो साधारण बनाया है तो क्या साधारणता है उसकी, कैसे, वो भी अभी रहस्य है। लेकिन एक ऐसा है जो साधारण है, उसमें से पहली है ना, जैसे उस तरह से द्वे देवान अभाजयत। और दो अन्न ऐसे बनाए जो उसने देवताओं के लिए विभाजित कर दिए, देवताओं के लिए रख दिए। एक अन्न साधारण है और दो देवताओं के लिए कर दिए। त्रिणी आत्मने अकुरता, और तीन अन्न उसने आत्मा के लिए कर दिए, सात में से
छयन हो गए, पशुभ्य एकम प्रायच्छत, और एक अन्न पशुओं के लिए दे दिया, ये सात अन्न हो गए। अब हम सात अन्न सोचते हो भाई गेहूं चावल मक्का बाजरा और कोई ऐसे अन्न, अब ये कैसे अन्न है जो एक साधारण है, दो देवताओं के लिए दे दिया, तीन आत्मा के लिए रख दिए और एक पशुओं के लिए दे दिया, ऐसे सात अन्न बनाए उसने। आगे कहते हैं तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणी थी यच्च न, बोले इसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है। ये जो पशु वाला था इसके लिए इसको लगा लेते हैं, तो पशुओं के लिए एक दिया, उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है। कौन कौन? यच्च प्राणी थी जो प्राण लेता है, और यच्च न जो प्राण नहीं लेता है, वो भी सब के सब। यानी ये एक ऐसा अन्न है, ये उनके लिए भी है जो सांस लेते हैं और जो सांस नहीं लेते हैं उनके लिए भी है, जो जीवन जी रहे हैं उनके लिए भी है और जो जीवन नहीं जी रहे हैं उनके लिए भी ये एक अन्न है। इस ढंग से कैसा अन्न होगा, विचित्र ये। आगे कस्मात तानी न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, एक नया प्रश्न खड़ा है पहेली के रूप में कि ये जो अन्न है सात प्रकार के, ये अद्यमानानि खाए तो जा रहे हैं, लोग इसको खा रहे हैं अन्नों को, विभिन्न प्राणी और जिस जिसके लिए, देवता भी खा रहे हैं, मनुष्य भी खा रहे हैं, पशु भी खा रहे हैं, आत्मा भी कर रहा है, तो फिर भी ये समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं? समाप्त हुए क्या कोई अन्न हमारे? बनते ही रहते हैं। तो कस्मात तानी न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, हमेशा खाए जाते हुए भी ये अन्न समाप्त क्यों नहीं हो जाते? यो वा एताम अक्षितिम वेद सो अन्नम अति प्रतीकेन, जो इस अक्षिति को जान लेता है, अभी अक्षिति कोई नई चीज आ गई, अक्षिति क्या है, जो इस अक्षिति को जान लेता है सो अन्नम अति प्रतीकेन, वो अन्न को प्रतीक से खाता है, खाता तो है अन्न को लेकिन प्रतीक से खाता है। प्रतीक मतलब कहना प्रतीक चिन्ह है, ये उसका प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है, वो वैसा का वैसा मॉडल है छोटा सा, नाम को, नाम मात्र को बोले प्रतीक है ये, उसकी जगह पे ठीक वो चीज नहीं हो तो उसकी जगह किसी और का जो प्रतिनिधि के रूप में बैठा देते हैं, या थोड़ा सा जो होता है बोले किसी को कुछ भेंट देते हैं, बोले बोले नहीं इतना इतना क्यों दे रहे, बोले नहीं ये तो प्रतीक मात्र है, और दे अधिक भी रहा है लेकिन बोले ये तो बस प्रतीक मात्र है, नाम मात्र का है आपको दे रहे हैं। तो कई बार ज्यादा देते हुए भी बोलते हैं कि प्रतीक मात्र है, और कई बार जब अधिक नहीं दे रहे होते हैं, कम ही दे रहे होते हैं, वो तो थोड़ा सा संकोच भी होता है कि भाई हम ज्यादा नहीं दे रहे हैं, तो बोले जी बस थोड़ा सा प्रतीक मात्र में भेंट कर रहा हूं मैं, एक नाम मात्र के लिए, शगुन के लिए बोल देते हैं, एक रुपया दे दिया या दस रुपये, ग्यारह रुपये, सौ रुपये, कई बार होता है ऐसा, ये प्रतीक मात्र के लिए दे रहा हूं मैं, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो इस अक्षिति को जान लेता है वो अन्न को खाता है प्रतीक से, अभी प्रतीक क्या है ये विचारने की बात है। और जो ऐसा कर लेता है सदेवान अपि गच्छति स ऊर्जम उपजीवति इति श्लोकः, तो वो देवताओं को प्राप्त कर जाता है, जो इस प्रतीक से अन्न को खाता है वो देवताओं को पहुंच जाता है, और वो ऊर्जम उपजीवति, वो बल को भी प्राप्त कर लेता है, बल को भी प्राप्त कर लेता है और देवताओं को भी प्राप्त कर लेता है, दोनों को करता है। इति श्लोकः, ये श्लोक है। अब प्रतीक रूप में जो थोड़ा सा खाता है वो, अब एक ज्यादा खाता है बहुत ज्यादा, वो सोचे कि मैं जितना ज्यादा खाऊं उतनी ताकत आएगी मेरे को, ऐसा होता है ना, भी ज्यादा खाएंगे ज्यादा ताकत आएगी, तो बहुत ज्यादा भी खाते हैं खाने वाले, बहुत ज्यादा, तो वो ज्यादा खाते हैं तो वो देवताओं को तो प्राप्त कर नहीं पाते हैं, ताकत, और जो उचित परिमाण में खाता है वो ऊर्जा को भी प्राप्त कर लेता है और देवताओं को भी प्राप्त कर लेता है, खाते तो सभी हैं। तो ये एक इति श्लोक है, ये श्लोक है, ऐसे निबद्ध किए गए एक पहेली के रूप में श्लोक है। अब इसका विवेचन आगे चलेगा, ये सात अन्न क्या है और इसमें जो वचन आए हैं इनको ये खोल के बताएंगे। तो दूसरी कंडिका देखिए, पिछले वाले को उद्धृत कर रहे हैं, यत सप्तानानी मेधया तपसा अजनयत पिता इति, जो पीछे कहा गया था सात अन्नों को मेधा तप से पिता ने उत्पन्न किया, मेधया ही तपसा अजनयत पिता, मेधा से ही, मेधा और तप से ही पिता ने उसको बनाया,
एकमस्य साधारणम इति इदम एव अस्य तत्साधारणम अन्नम यदिदम अद्यते। तो एकमस्य साधारण, वो साधारण अन्न क्या है? तो कहा कि वही ये साधारण अन्न है जो जो कुछ खाया जाता है, जो सब लोग खाते हैं अन्न को, जो जितने भी अन्न है इसमें सब आ गए वो अन्न, ये तो साधारण अन्न है, ये पहला अन्न है जिसको सब लोग खाते हैं हम, वो अन्न गेहूं चावल आदि जितने हैं ये सारा, ये पहला अन्न है और ये साधारण अन्न है। स यह एतत उपासते, जो इसकी उपासना करता है अकेले, यानी ये अन्न मेरे को ही मिल जाए, मैं ही इस सबको प्राप्त कर लूं, वैसा न स पापमनो व्यावर्तते, वो पाप से हट नहीं पाता है, उसको पाप लग जाता है, जो इस अन्न को अकेले खाता है वो पाप से युक्त हो, पाप से बच नहीं पाता, यानी पाप उसको लग जाता है। मिश्रम ही एतत, क्यों? क्योंकि ये मिश्रित है, सबका है, साधारण है ये, इस पे एक का अधिकार नहीं है, इसलिए सबको मिलको। केवल आगो भवती केवल आदि वाली बात है, मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता, न जानने वाला व्यर्थी अन्न को खा रहे हैं। सत्यम ब्रवीमी वधित सतस्य, मैं ठीक कह रहा हूं ये उसका वध कर देगा। सत्यम, सत्य का मतलब मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता, सत्यम ब्रवीमी, सत्य शब्द, सत्य तो धर्म, सत्य कहते हुए को कहते हैं ये धर्म को बोल रहा है, धर्म को कहते हुए कहेंगे सत्य को बोलता है, पीछे जो आया था सत्यम ब्रवीमी, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं धर्म पूर्वक कह रहा हूं, यही धर्म है। वधित सतस्य, वो उसका नाश कर देगा। केवल आगो भवती केवल आदि, तो जो इस साधारण अन्न को अकेला खाता है वो पाप का भागी बनता है। ये पहला अन्न हो गया, बता दिया, उपदेश भी आ गया। आगे द्वे देवान अभाजयत इति, और देवताओं को दो अन्न विभाजित किए, वो कौन से थे? तो कहा हुतम च प्रहुतम च, एक तो हुत और एक प्रहुत, ये दो तरह के जो अन्न दिए गए वो देवताओं के लिए थे। तस्मात देवेभ्यो जुह्वति च प्रजुह्वति, तो देवताओं के लिए होम करता है और प्रकर्षी रूप से देता है, और अधिक देता है। ये दो प्रकार के अन्न देवताओं के लिए, एक मत है जुह्वति और प्रजुह्वति, और इसी में दूसरा है अथो आहुर दर्श पूर्णमास हुई थी, दर्श और पूर्णमास में, यानी अमावस्या और पूर्णिमा को जो होम किया जाता है, आहुति दी जाती है, वो देवताओं के लिए दी जाती है, तो ये भी वही दो अन्न है, इससे देवताओं को देता है, ये दो अन्न देवताओं के लिए बना दिए। तस्मात न इष्टि याजुक स्यात, इसलिए कहा कि इष्टि याजुक ना हो जाए, याजुक है मतलब यज्ञ करने का जिसका शील हो, तच्छील अर्थ में ले लेंगे, हालांकि वहां यज्ञ धातु नहीं लिखी हुई है उसमें उकाय प्रत्यय के अंदर, लेकिन फिर भी हम उसके साथ उसको जोड़ लेते हैं, या फिर हम करते हैं इसमें यंग लुगंत में तो बनता है याजुकः, याजुकः तो बनता है बार बार यजन करने वाला, यहाँ याजुकः शब्द है। तस्मान इष्टि याजुकः, इष्टि उसे कहते हैं जिसमें कामना पूर्वक कोई यज्ञ किया जाता है, कामना करके जो किया जाता है उसको इष्टि बोलते हैं, कि मेरे को इस कामना के लिए पूर्ति है, स्वर्ग काम हो यजेता, ग्राम काम हो यजेता इत्यादि, पुत्र पुत्रेष्टि है, राजसूय इष्टि है, ये सब भिन्न भिन्न कामनाओं को लेकर के जो किए जाते हैं वो इष्टि कहलाते हैं, इष्टियां होती हैं वो। तो कहा तस्मात न इष्टि याजुक स्यात, इष्टि याजुक न बने, अपनी कामना को लेकर यजन न करे, अपनी कामना को लेकर यजन करेगा तो वो देवताओं को नहीं गया है, वो वास्तव में तो उसने अपने ले लिया है, देवताओं को क्या दिया है उसने। और जो दर्श पूर्ण मास है ये जो है जुवती और प्रजुवती, हुतम प्रहुतम, इसमें कामना को लेके नहीं, वो देवताओं के लिए ही होता है। तो कई बार किसी के यहां जाते हैं ना, काम निकलवाना होता है, तो कोई कार्य हो, किसी को स्थानांतरण करवाना हो, कोई सिफारिश लगवानी हो, कोई नौकरी लगवानी हो, किसी से कुछ कहलवाना हो, तो लेके जाते हैं ना कुछ अपने हिसाब से, कोई फल ले जाएगा, कोई मिठाई ले जाएगा, कोई च्यवनप्राश ले जाएगा, कोई और कोई चीज लेके जाएगा, भेंट लेके जाएगा, तो पहले उसको देते हैं, तो क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं ना, त्याग कर रहे हैं, अपने सत्व का त्याग करते हैं, लेकिन लेने वाला भी जानता है कि दे क्यों रहा है। वैसे तो कई जने, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि कोई कुछ दे रहा है तो वो पहले से ही समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ अब
ये मांगने के लिए आया, ये दे नहीं रहा है उसको दिखाई दे जाता है, ये देने के लिए नहीं आया है, ये लेने के लिए आया है। ये उंगली पकड़वा रहा है, अभी दे रहा है, ये तो दाना डाल रहा है। मछुआरा जैसे वो इतना सा डालता है ना, तो मछलियां सोचें कि हाँ ये कुछ देने के लिए आया है, कुछ दे दिया है इसने, परोपकारी है, वो मछली को लेने के लिए आया है। तो इस ढंग से जो किया जाता है, जो ऐसा जो दिया जाता है जिसमें कुछ हमारी कामना होती है, वो अपने लिए तो होता नहीं, वो देवताओं के लिए नहीं है। देवताओं के लिए वो है जो बस देवताओं के लिए ही होता है, उसी के लिए, उससे बदल करके वो कामना नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अपने आप दे दे कर दे वो, लेकिन वो वैसी कामना लेके नहीं। इसलिए कहा तस्मात न इष्टि याजुक कैसे आते, क्योंकि इष्टि याजुक जो होगा वो अन्य देवताओं को नहीं जा रहा है वास्तव में, वो तो वो खुद ही ले रहा है, खुद अपने लिए कर रहा है। जीवन ऐसा रहता है कि उसमें इष्टि याजुकों का भी पता लगना चाहिए कि ये इष्टि याजुक है, हमारे पास हम दान देने के लिए आया है, कुछ करने के लिए आया है, तो वो दान देने के लिए आया है या कुछ अपने लिए प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आया है, नहीं तो फंस जाते हैं फिर। तो इष्टि याजुक नहीं होना चाहिए वो, फिर देव याजी नहीं हो पाएगा, देवताओं को नहीं देगा। तस्मात् इष्टि याजुक अस्यात्। आगे पशुभ्य एकम प्रायच्छत इति तत्पयः, पशुओं के लिए भी एक अन्न दिया उसने, वो अन्न कौन सा था, बोले पयः, दूध था, दूध भी एक अन्न है, अलग तरह का अन्न है। पय का कुछ लोग जल भी लेते हैं अर्थ, यहां पर दोनों जगह घटाते हैं। तो पशुभ्य एकम प्रायच्छत इति तत्पयः, तो पयो ही एव अग्रे मनुष्याश्च पशुश्च उपजीवन्ति, मनुष्य हो चाहे पशु हो, वैसे मनुष्य भी पशु ही है लेकिन थोड़ा अलग कर दिया, बचा लिया, तो वो प्रारंभ में इसी दूध पे ही तो जीते हैं, उपजीवन्ति, जब जन्म लेते हैं तो उसी पे जीते हैं। तस्मात् कुमारम जातम घृतम वा एव अग्रे प्रतिलेहयन्ति, इसलिए जो कुमार होता है, नया नया बच्चा पैदा होता है, उसको घी चटाते हैं, शहद भी चटाते हैं, वो भी है प्रक्रिया, घी भी उसके चटाया जाता है, घी। तो घी कहाँ से आता है, पयह से ही आता है, उसका भोजन है, उसको प्रारंभ में दिया जा सकता है उसके लिए। पयो अग्रे मनुष्य, ये हो गया। तस्मात् कुमारम जातम घृतम वा एव अग्रे प्रतिलेहयन्ति, एक तो ये, और दूसरा का स्तनम वा अनुधापयन्ति, अथवा उसको स्तन पिलाते हैं, यानी दूध पिलाते हैं, अपनी अपनी माँ का दूध पीते हैं। अथ वत्सम जातम आहु अत्रिणदा इति, अत्रिणादा इति, इसलिए जो उत्पन्न हुआ हुआ बच्चा होता है उसको कहते हैं अत्रिणादा, जो तृण को नहीं खाता है, तृणम न अति इति, तृण को नहीं, तिनके को नहीं, घास को नहीं खाता है वो शुरू में, कुछ समय बाद में घास को खाने लगता है, तो दूध ही पे ही वो निर्भर करता है। तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणीति यच्च न इति, तो उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है। ये जो कहा गया था ये किसके संदर्भ में था, वो पय के संदर्भ में था, इसलिए कहा पयसी ही इदम सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणी इति यच्च न इति, तस्मिन मतलब पयसी, उसी में सब कुछ निर्भर, सब कुछ उसी पे प्रतिष्ठित है, कौन जो प्राण को ले रहा है और जो प्राण को नहीं भी ले रहा है। अब इसका अर्थ कह लेंगे कि दूध सबके लिए कैसे, दूध सबके लिए कैसे, जो प्राण नहीं ले रहा है, जो प्राण ले रहा है उनके लिए तो फिर भी चलो, जो प्राण नहीं ले रहे हैं यानी जड़ वस्तु है उनके लिए दूध कैसे, तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा। प्राण और न प्राण का मतलब अगर ये लें तो, और जो प्राण ले रहे हैं उनके लिए भी सबके लिए तो होता नहीं है, प्राण तो छिपकलियां हैं, चीटियां हैं, ये लोग ये भी लेती हैं प्राण, तो मछलियां हैं, लेकिन ये तो दूध नहीं पीते, इनके तो दूध होता नहीं है, माँ के स्तनधारी तो है नहीं ये, तो जो प्राण ले रहे हैं जो प्राण नहीं ले रहे हैं उन सबके लिए होता है, सबके लिए तो नहीं। तो प्राण लेना और ना लेना उसको किस रूप से देखेंगे, तो प्राण जो अन्न को खा रहे हैं और जो अन्न को नहीं खा रहे हैं उन सबके लिए है ये, ये जो पय है किन संदर्भ में, ये मनुष्य और पशुओं के लिए ही है, और उन मनुष्यों और पशुओं में भी जो प्राण को ले रहा है और जो नहीं ले रहा है उन सबके लिए है ये, सब इसको ले सकते हैं। अब जो बछड़ा तिनके खा रहा है वो तो ठीक है, चलो खा रहा है, अब उसको दूध हम बंद भी कर देते हैं, लेकिन बाद में भी दूध दें तो चल सकता है,
और खासतौर से मनुष्यों के लिए। मनुष्य शुरू में तो कहते हैं भाई दूध पर निर्भर है, बच्चा है, लेकिन आगे जब बड़े हो गए तो अब माँ का दूध आना तो बंद हो गया, तो अब उसके लिए तो दूध नहीं है। इसलिए कई जने तर्क करते हैं कि भाई दूध तो केवल बचपन के लिए ही होता है हमारा, अगर हमारे लिए हमेशा के लिए होता तो दूध हमेशा आता माँ को, हमारे लिए नहीं है वो उतना। इसी तरह अन्य पशुओं में भी हमेशा के लिए तो नहीं होता, उनके नए बच्चे के लिए नया होता है, कुछ समय चलता है। हम जो ये बाद में दूध पीते हैं ये ठीक नहीं है, ऐसा कई जने तर्क रखते हैं, ऐसे वेद के अंदर विधान किया है। तो हमारे में से जो अन्न खा रहे हैं वो भी दूध ले सकते हैं, और जो अन्न नहीं खा रहे हैं उनके लिए तो है ही, जो अन्न खा नहीं सकते उनके लिए भी दूध है, और जो अन्न आदि लेते हैं दूध का विधान पेय का विधान उनके लिए भी है, वो भी ले सकते हैं। उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यच्च प्राणीति यच्च न तद यद इदम आहु, जो ऐसा लोग कहते हैं संवत्सरम पैसा जुवत अप पुनर्मृत्युम जयति इति, एक वर्ष तक जो दूध से होम करता है वो पुनर अपमृत्युम जयति, अपमृत्यु को जीत लेता है। इसको आपको जयति के साथ ना जोड़ के मृत्यु के साथ जोड़ना ज्यादा संगत है कि वो अपमृत्यु को जीत लेता है। अपमृत्यु मतलब है अकाल मृत्यु, दुष्ट मृत्यु, जो अच्छी मृत्यु नहीं है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, उसको वो जीत लेता है जो एक वर्ष तक दूध का होम करता है। तो दूध का होम करता है वो, एक तो ये है कि उसमें अग्नि में आहुति देते हैं, एक साल तक वो उसको करता रहता है तो उसको अपमृत्यु नहीं आती है, रोगों के कारण से और ऐसी जो आकस्मिक चीजें होती हैं उससे नहीं होते, सामान्य मृत्यु आती है, एक साल तक करता रहता है। दूसरा है ये हम जो खाते हैं ये भी तो होम ही है, पीछे भी आया था जो हम खाते हैं ये भी यज्ञ है, होम है, आहुति देते हैं हम यहाँ पर। तो जो एक वर्ष तक दूध को दूध की आहुति देता है अपने, यानी दूध पे ही निर्भर है, दुग्धाहारी केवल दूध ही ले रहे हैं तो अपमृत्यु को जीत लेता है, यानी वो स्वस्थ हो जाता है, रोग उसके दूर हो जाते हैं, केवल दूध पे दुग्ध कल्प कर रहे हैं रोगों में किए जाते हैं ऐसा जो कर रहे हैं। तो ये एक वचन कहा जाता है उसका ये निषेध कर रहे हैं। तो न तथा विद्यात, ऐसा ना समझे कि एक साल लेंगे तो अपमृत्यु से बचेंगे। क्या कह रहे हैं, यद हरेव जुहोति तदह पुनर् मृत्युम अपजयति, जिस क्षण दूध से होम करता है यानी दूध को लेता है तभी से अपमृत्यु को जीतने लग जाते हैं, यानी दूध पिएंगे तो अपमृत्यु जाएगी, दूध पिएंगे हमारे लिए अच्छा है, ये एक अन्न है, वो अन्न साधारण था सबके लिए, उस पर सबका अधिकार है, ये विशेष अन्न है, पशुओं के लिए है और मनुष्यों के लिए है विशेष अवस्था में, तो ये दूध की प्रशंसा पेय की प्रशंसा की गई है। अब कुछ लोग यहां पर पेय का मतलब पानी भी लेते हैं तो उसमें वो संगति लगाते हैं, क्योंकि ये प्राणी प्राणी यच्च प्राणीति यच्च न इति ये जो कथन किया, तो कहते हैं जो श्वास लेते हैं उनके लिए भी जल आवश्यक है और जो श्वास नहीं लेते हैं उनके लिए भी जल आवश्यक है। अब जो अब उसके लिए वो संगति क्या लगाते हैं, एक तो श्वास लेना, यानी तो जीव जंतु जो है वो तो सब श्वास लेते ही हैं, तो जो श्वास नहीं लेते हैं वो तो जड़ के लिए पानी की क्या आवश्यकता है, वहां फिर प्रश्न खड़ा होता है, दूध की नहीं तो पानी की, तो पानी की भी क्या आवश्यकता है। तो उसके लिए फिर ये एक अलग अर्थ किया एक भाष्यकार ने कि जो प्राण लेते हैं यानी श्वास लेते हैं, यानी प्रकट रूप से जो श्वास लेते हैं, जैसे आप और हम लेते हैं श्वास तो वायु आती जाती है एकदम प्रकट रूप में है, और पेड़ पौधे जो लेते हैं सांस, अभी सांस लेते हुए दिखते तो है नहीं, एक तरह से यूं कि ये सांस नहीं लेते, अब विज्ञान से तो सिद्ध है कि वो प्राण लेते हैं श्वास लेते हैं, उनका भी अपना श्वसन होता है लेकिन वो अलग तरह का होता है। तो जो श्वास लेते हुए दिखते हैं वो प्राण करने लेने वाले, और जो श्वास लेते हुए नहीं दिखते हैं वो प्राण नहीं लेते हैं, ऐसे। तो अब ये जितना भी हुआ ये सारा चेतन वर्ग ही आ जाएगा, शरीरधारी ही आ जाएंगे, और शरीरधारी है तो बिना पानी के तो रह नहीं सकता है इस धरती पर, तो पानी तो उसको चाहिए किसी भी रूप में, ऐसे करके भी कुछ ने संगति लगाई। तो ये जो पेय है ये श्वास लेने वाले और न लेने वाले यानी वृक्ष आदि उनके लिए भी ये आवश्यक है, वो सब इसी पर निर्भर करते हैं। आगे तो जब भी इसको लेते हैं अपमृत्यु को जीतने जीतता है, एक साल तक करेंगे तब नहीं,
तो पानी भी जैसे ही लेते हैं तो मृत्यु हटती है, गलत मृत्यु जो आने वाली होती है वो बचते हैं पानी से, हम बचते हैं मृत्यु से। एवं विद्वान सर्वम ही देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति, जो इस प्रकार से जान लेता है, इस प्रकार से जो जान लेता है वो सभी अन्नों को देवादि के लिए दे देता है, देवताओं के लिए दे देता है। पीछे इन्होंने कहा था तस्मात् न इष्टि याजुका स्यात्, अपनी कामना से नहीं करें, देवताओं के लिए अच्छे लोगों के लिए दे करके अपना तो जीवन चल ही जाता है उसका। फिर तो ये जो आहुति देना जुगति का कहा, इसलिए वो जो कुछ भी होता है वो देवताओं के लिए दे देता है, जो ऐसा जानता है वो सब कुछ देवताओं के लिए दे देता है और उससे वो अपमृत्यु से बचता है। इसको दूसरे ढंग से देखें तो जो कमाता है सबको देता है, मतलब अपना जीवन तो चलाता ही है, बाकी अधिक से अधिक लोगों को देने लग जाता है, अन्नादि जो भी आवश्यक है उनको देता है, तो देने से उसका पुण्य बनता है, उसका आगे अच्छा जीवन होता है इत्यादि उसके लाभ देखे जा सकते हैं। आगे कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि, पीछे कहा गया था प्रथम खंडिका में कि ये नष्ट क्यों नहीं होते हैं, क्षीण क्यों नहीं होते हैं खाए जाते हुए भी, तो कहा पुरुषो कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा इति, आगे कहते हैं पुरुषो व अक्षिति, अक्षिति शब्द जो है वो पुरुष के लिए आया है यहां पर। स ही इदम अन्नम पुनर् पुनर्जनयते, पीछे वहां पर ये आया था ना, यो वई एताम अक्षितिम वेद, जो उस अक्षिति को जानता है तो उसका भी साथ में प्रयोग करते हुए कहा कि यह अक्षिति कौन है, पुरुषो व अक्षिति, ये जो पुरुष परमात्मा है ये अक्षिति है। और सही इदम अन्नम पुनर् पुनर्जयति, वो ही पुनः पुनः इन अन्नों को उत्पन्न करता रहता है, हम खाते रहते हैं वो फिर फिर उत्पन्न करता रहता है, होते ही रहते हैं होते ही रहते हैं। अभी तो हम जैसे फसल को बोते हैं करते रहते हैं, लेकिन जैसे जंगल में है पशु पक्षी वो तो कुछ बोते नहीं है, वो तो बस खाते पीते रहते हैं, होता रहता है होता रहता है। मनुष्यों का भी पहले ऐसा ही होता रहता था, अलग आवश्यकता है इसलिए हम बो लेते हैं, उसका भी निषेध नहीं है, लेकिन फिर भी वो उत्पन्न करता रहता है। तो ये क्षीण क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो बार बार उत्पन्न करता रहता है। आगे युवा एताम अक्षितिम वेद इति, ये पीछे वाले में वचन आया था, युवा एताम अक्षितिम वेद सो अन्नम अति प्रतीकेन, तो जो इस अक्षिति को जान लेता है यानी इस परमात्मा को जान लेता है कि क्षीण नहीं होने देता है, भोग्य पदार्थों को यहां नष्ट नहीं होने देता है, आते ही रहते हैं। तो युवा अक्षितिम वेद इति पुरुषो व अक्षिति, पुरुष वो अक्षिति है। आगे कहा स ही इदम अन्नम धिया धिया जनयते, वही अक्षिति परमात्मा इस अन्न को धिया धिया जनयते, सोच सोच करके बुद्धिपूर्वक देता है। धिया धिया मतलब अलग अलग धिया से, अलग अलग बुद्धि से देता है, एक ही तरह से देगा तो एक ही अन्न देगा, सबके लिए एक ही जैसा अन्न आ जाएगा। धिया धिया मतलब इसके लिए ये अन्न, इसके लिए ये अन्न, इस ऋतु में ये अन्न, इस ऋतु में ये अन्न, इस स्थिति के लिए ये अन्न, इस स्थिति के लिए ये अन्न, ये जो अलग अलग सोच करके दे रहा है ये धिया दिया है, अलग अलग बुद्धि से देता है। एक ही जैसा है, एक मशीन चल रही है एक ही जैसी है, तो वो तो एक ही चीज निकालती चली जाएगी, अब ये उत्पादन करना है, अब ये उत्पादन करना है, अब ये करना है, इतना ये करना है, इतना ये करना है, इसमें ये परिवर्तन करना है। ये जो विविधता हमारे को दिखाई दे रही है उसके संदर्भ में देखें कि परमात्मा अन्नों को उत्पन्न कर रहा है धिया धिया, बुद्धि बुद्धि से, अलग अलग बुद्धियों से कर रहा है, अलग अलग सोच से कर रहा है। ये रोग होगा तो इसके लिए ये कमी होगी तो उसके लिए ये, इसके पोषण के लिए ये, ऐसे अलग अलग अन्नों को उत्पन्न कर रहा है। धिया धिया जनयते कर्म फिर यदित न कुरियात खीयते है, अपने कर्मों से अगर ये नहीं करे तो ये क्षीण हो जाएगा, लेकिन वो लगातार कर्म करता रहता है, इनको बनाता रहता है, इसलिए क्षीण नहीं होते। आगे सो अन्नम अति प्रतीके ना इति, ये पंक्ति भी पीछे आई थी, सो अन्नम अति प्रतीके ना, वो प्रतीक रूप में अन्न को लेने लगता है। तो ये प्रतीक क्या है, तो कहते हैं मुखम प्रतीकम, मुख ही प्रतीक है, मुख है हमारा ये प्रतीक। पीछे कहा गया था सो अन्नम अति प्रतीके ना, वो प्रतीक से अन्न को खाता है, प्रतीक से अन्न को खाता है, तो प्रतीक का मतलब हो गया मुख, मुख से वो अन्न को खाता है। अब ये भी सांकेतिक शब्द है, वैसे तो मुख से ही खाते हैं, लेकिन देखिए फिर क्या कहते हैं, मुखम प्रतीकम मुखेन इति एतत्,
तो प्रतीके न अति है तो मुखे न अति, मुख से खाता है। और जो ऐसा करता है स देवान अपि गच्छति, वो देवताओं को भी जात प्राप्त करता है। स ऊर्जम उपजीवति, वो ऊर्ज को बल को प्राप्त करता है, उसका सेवन करता है। इति प्रशंसा, ये जो अंतिम वाक्य था स देवान अपि गच्छति स ऊर्जम उपगच्छति उपजीवति, ये है प्रशंसा की जा रही है। ये प्रशस्ति मात्र है, अर्थवाद है ये, इससे इसके इसकी प्रशंसा की जा रही है कि ऐसा करना अच्छा है। अर्थवाद बहुत अलग अलग ढंग से कहा जाता है, तो ये उसके लिए लाभ बताया, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो वो बल को तो प्राप्त करेगा, ऊर्क को, बल ओज को प्राप्त करेगा और देवताओं को भी प्राप्त कर लेगा। कौन? जो प्रतीक से भोजन को करता है, मुख से भोजन को करता है। अब इसको हम अलग ढंग से समझ सकते हैं कि जैसे पशु पक्षी जितना उनके मुख में आता है उतना खाते हैं बस। अब यूं कितना भी खाना है तो वो खा लेते हैं, लेकिन बस उसके बाद में क्या है, एकत्रित तो रहता नहीं है उनका, जितना मुख में आया खा लिया। सामान्य रूप से कुछ के अपवाद छोड़ दीजिए, जैसे मधुमक्खी आदि होती हैं, वो शहद को इकट्ठा भी करती हैं, आगे के लिए करती हैं। लेकिन एक तो होता है तत्काल रूप से जैसा मुख में आया उतना खाया, तो जो केवल इतना ही अन्न ले रहा है, वो जो साधारण अन्न था जो सबके लिए था, अधिक संग्रह नहीं कर रहा है, एक अन्न को खाता है हाथों से, हाथों से मतलब खूब अधिक अधिक ले ले करके इकट्ठा करके रखता है, तो मुख से खाता है। एक तो ये है बहुत तपस्वी लोग जो केवल एक समय का अन्न है, बस उतना खाया और उसके आगे कुछ नहीं, कोई परिग्रह नहीं, अगले समय का भोजन का भी कोई इकट्ठा नहीं। एक होता है और ऋषियों का कुंभी धान्य बोल देते हैं, एक कुंभ में एक घड़े में जितना आता है उतना अन्न रखते हैं, एक घड़े का अन्न जितना भी 5-10 किलो 15 किलो एक महीने चल जाए, 15 दिन चल जाए, इतना रखते हैं। फिर कुछ और बढ़ा दें तो एक फसल जितनी आती है वो अगली फसल आने तक का जितना अन्न है बस उतना ही रखता है, फिर अगली अन्न अगला आ जाता है। और विस्तार कर दें तो चलो एक साल के लिए रख लिया उसने विविध अन्नों को, एक सीमा तक रखा अन्न को, यूं ही इकट्ठा करते गए और बहुत फिर खराब भी हो रहा है, व्यर्थ भी जा रहा है, और हम इकट्ठा कर रहे हैं फिर व्यर्थ भी होता है, अधिक यूं ही जाता है और फिर दूसरों को कमी पड़ जाती है। आज भी जो अन्न है इस पृथ्वी पर इतना अन्न है कि कोई भूखा ना मरे, ऐसे आंकड़े बताए जाते हैं, अधिक है उससे भी, लेकिन फिर भी बहुत सारे भूखे रहते हैं और कहीं अधिक भोजन खाया जाता है और बर्बाद भी होता है, बनने के बाद में व्यर्थ ही चला जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जो मुख से अन्न को खाता है, अब उसका क्या मतलब है, प्रतीक रूप में अन्न खाता है, थोड़ा ही खाता है, जितना उसको चाहिए बस उतना ही रखता है, अधिक नहीं रखता है, ये उसके लिए प्रशंसा है। हमारे लिए भी ये एक कर्तव्य निर्देश हो गया, हमें उतना ही रखना या खाना चाहिए जितना है। तो इससे वो देवत्व को भी प्राप्त करता है, यानी उन्नति भी करता है, और बल तो प्राप्त करता ही है, अन्न खा रहा है तो बल तो मिलेगा ही उसको, ये ऊर्जा के स्रोत हैं, शक्ति इनमें भरी हुई है, अन्न में सूर्य की शक्ति भरी है, हम खाते हैं तो हमारे को भी आ जाती है, हमारे को मिल जाती है, तो बल तो प्राप्त करता ही है वो, प्रतीक रूप में बल में उसको कमी नहीं रहती है, साथ में देवताओं को भी प्राप्त कर लेते हैं। और इसके विपरीत जो अधिक खाते हैं, अधिक संग्रह करते हैं, बल तो खैर वो भी ले लेते हैं लेकिन वो देवताओं को प्राप्त नहीं कर पाते, उन्नति को प्राप्त, देवत्व को प्राप्त नहीं कर पाते, वो मनुष्य ही रह जाते हैं या तो राक्षस बन जाते हैं, दुष्ट बन जाते हैं। तो ये अन्न परमात्मा ने बनाया और उसका वर्णन कुछ हुआ। आगे देखिए कितने अन्नों का वर्णन आ गया, 4 का वर्णन आ गया, एक साधारण, 2 देवताओं को, 1 पशुओं को, 4 का आ गया। बीच में था आत्मा के लिए 3 अन्न दिए, वो अन्न क्या है वो अगली कंडिका में बता रहे हैं। तीसरी कंडिका, त्रिणी आत्मने कुरुता इति, ये जो पीछे कहा गया था पहली कंडिका में, 3 आत्मा के लिए करता है वो कौन से हैं, बोले मनो वाचम प्राण तानी आत्मने अकुरुत, मन वाणी और प्राण इनको आत्मा के लिए किया। ये भी 3 अन्न है, मन भी एक अन्न है, वाणी भी एक अन्न है और प्राण भी एक अन्न है, ये 3 अन्न उसने आत्मा के लिए किए। बाकी अन्न किसके लिए थे, एक तरह से शरीर के लिए थे, अब ये शरीर से अतिरिक्त आत्मा, आत्मा का मतलब शरीर भी लिया जाता है लेकिन ये आत्मा के लिए है, अलग तरह के अन्न है। तानी अत्र, तानी नहीं, हाँ तानी कुरुता अन्यत्र मना,
अकुरुता, यहां तक हो गया। अन्यत्र मना अभूवम न अदर्शम, इसीलिए कहते हैं कि मैं, मेरा मन दूसरी तरफ था इसलिए मैं देख नहीं पाया। अन्यत्र मना अभूवम, मैं अन्य मनस्क हो गया था, दूसरी तरफ मेरा मन चला गया था इसलिए मैं देख नहीं पाया, ये कथन होता है। अन्यत्र मना अभूवम न अश्रौषम इति, मेरा मन कहीं और चला गया था इसलिए मैं सुन नहीं पाया, ऐसा जो हम कथन करते हैं। इससे क्या पता लगा, मनसा ही एव पश्यति मनसा श्रृणोति, मन से ही हम देखते हैं और मन से ही सुनते हैं। अब आंखें तो सामने ही थी लेकिन नहीं देख पाए हम, मन और कहीं था, कान तो खुले हुए थे लेकिन नहीं सुन पाए, मन कहीं और था। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि मन के द्वारा ही ये सुनता है, मन के द्वारा ही देखता है। इंद्रियां भी अपनी जगह पे हैं, इंद्रियों से हम देखते हैं सुनते हैं, यो अपनी जगह कथन ठीक होते हुए भी ये कथन किया जा रहा है कि मन से ही देखते हैं और सुनते हैं। ठीक ठीक तो अंदर ही जानते हैं, मन के माध्यम से ही जानते हैं। तो मनसा ही एव पश्यति मनसा श्रृणोति, और मन की महत्ता बता रहे हैं। ये जो पहला अन्न बताया आत्मा के लिए मन, उसके लिए कह रहे हैं तो काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा श्रुति धृति ही अधृति ह्री धीर भी इत्येतत् सर्वम मन एव। ये जो इतनी सारी चीजें बताई ये सब मन ही है। कौन कौन सी, काम मतलब इच्छा, संकल्प मुझे ये करना है, विचिकित्सा संशय जो होता है ऐसा है या ऐसा है, श्रद्धा किसी के प्रति प्रीति का भाव विश्वास, अश्रद्धा विश्वास न होना, धृति धैर्य का होना, अधृति धैर्य न होना, ह्री लज्जा, भी धी मतलब धारणा वाली शक्ति, और भी भय, ये सारा का सारा मन ही है, ये सब मन में ही रहता है, अंदर रहता है। तस्मादपि पृष्ठतः उपस्पृष्टो मनसा विजानाति, इसलिए पीछे से अगर कोई हमारे को छू लेता है तो भी हम मन से जान लेते हैं कि किसी ने छुआ है। आंख से दिख नहीं रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन किसी ने छुआ है पीछे से तो भी हम पहचान लेते हैं कि किसी ने छुआ है, ऐसा मन से जान लेता है। यह कश्च शब्दो वागे वसा, जो कोई भी शब्द है वो वाक है, वाणी है। एषा ही अंतम आयत्ता, ये ही अंत को, अभिधेय का जो कथन है उसका जो अंत है उसको प्राप्त है। अगर कुछ हम कहना चाहते हैं अच्छे से अच्छा, तो वाणी के माध्यम से ही कहा जा सकता है, बिना वाणी के हम सारा प्रकट नहीं कर सकते। हमें जितना स्पष्ट करना है वो हम मन से वाणी के द्वारा जब बोलते हैं तब हम कर पाते हैं। यद्यपि कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि जो बात वाणी से नहीं कही जा रही है वो भावों से दूसरे ढंग से कह दी जाती है, संकेतों से पता लग जाती है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम कुल मिलाकर के देखेंगे कि हम केवल भावों से संकेतों से कहना चाहेंगे तो इतनी बातें नहीं कह सकते, वाणी से तो हम कह सकते हैं। तो ऐसा ही अंतम आयत्ता, ऐसा ही न, लेकिन इसको कोई अंत, इसके अंत को किसी ने नहीं पाया है। आगे प्राणो अपानो व्यान उदान समानो अन इत्येतत् सर्वम प्राण एव, ये जो नाम गिनाए प्राण अपान व्यान उदान समान, ये तो पांच हैं और साथ में अन, ये भी जो अन इन सब के अंदर है, पीछे भी आया था ये अन है, तो ये सब के सब प्राण कहलाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो शुरू में कहा था ना एषा ही अंतम आयत्ता, अंत का तो अ ले लिया, और एषा ही न, ये न है तो न ले लिया, तो अंत का अ और न, अन प्राण आदि पांचों में आ गया, ये दोनों के अंतर आ गए। एतन्मयो वा अयम आत्मा, ये आत्मा इन्हीं के इन्हीं वाली है, एतन्मय है, इसके बिना आत्मा चलती नहीं है। तो कैसी है, वांग्मयो मनोमय प्राणमय, वाणी रूप ही है, मन रूप ही है और प्राण रूप ही है, ये इसमें जुड़े हुए हैं, इसके बिना तो आत्मा का अपना इसका सारा प्रयोग नहीं हो पाता। तो तीन चीजें बताई, आत्मा का अन्न क्या हुआ, वाक, वाक दूसरा मन, तीसरा प्राण। यानी हम अपने लिए जो प्रयोग करते हैं उसमें आत्मा के लिए इनसे हम अधिक उपयोग कर सकते हैं। प्राण के बिना तो, श्वास प्रश्वास के बिना तो जी ही नहीं सकते, उस दृष्टि से तो ठीक है, और वाणी का बहुत महत्व है और मन का उससे भी ज्यादा है। और इन तीनों के तीनों का और विस्तार दिया इन्होंने, व्यापक रूप से कर रहे हैं अब इसको, पिंड में देखा ब्रह्मांड में भी देखते हैं।
तो त्रयो लोका एते एव, ये जो तीन लोक हैं ये भी यही हैं। जैसे तीन लोकों की महत्ता है तो तीन लोक क्या है, तो वाग अयम लोको, वाणी क्या है, यही लोक है, यानी पृथ्वी है जैसे कि वाक है। मनो अंतरिक्ष लोक, मन कैसे है जैसे कि अंतरिक्ष लोक है। और प्राणो असौ लोक, प्राण क्या है, वह वाला लोक, द्व्युलोक है। तीनों लोकों से इसकी तुलना कर दी। और आप कई तरह से किया है आगे, त्रयो वेदा अत एव, ये जो तीन वेद हैं वो भी इसी से हैं। कैसे हैं, तो वाग एव ऋग्वेदो, ऋग्वेद वाणी की तरह से, मनो यजुर्वेद, यजुर्वेद मन की तरह से, और प्राण है सामवेद, सामवेद प्राण की तरह से। ये तीन वेद जो हैं, चार वेद का उल्लेख आता ही है, तो ये इनकी रचना की दृष्टि से कहा जाता है। ऋग्वेद मतलब जहाँ अर्थवशात पाद व्यवस्था होती है, यजुर्वेद जहाँ पर, यजुर्वेद तो शेष है, और जहाँ गीति होती है वो साम है, और जो बचे हुए हैं वो यजु कहलाते हैं। इस दृष्टि से ये तीन वेदों का कथन है। आगे, देवा पितरो मनुष्य एते एव, देव मनुष्य और पितर भी यही है। किस ढंग से कहा, तो वाग एव देवा, वाणी है वो देव है, मन पितर है, मना पितर है, और प्राणो मनुष्य, मनुष्य प्राण है, इस तरह विभाजन कर दिया। और आगे कर रहे हैं, पिता माता प्रजा एते एव, पिता माता और प्रजा, यानी पिता माता और प्रजा मतलब तो संतान, ये भी यही है। कैसे, तो मन एव पिता, मन पिता है, वांग माता, वाणी माता है, और प्राण है प्रजा, प्राण उसकी संतान है, प्रजा है, इस रूप में व्याख्या कर दी। इसकी प्रशंसा के रूप में सब तरफ बता रहे। और आगे कहा, विज्ञातम विजिज्ञासम विजिज्ञास्यम अविज्ञातम एते एव, तीन चीजें कही। विज्ञातम जो हमारे को ज्ञात है, हमें पता है, विज्ञात है वो सारा, और विजिज्ञास्य जो जानने योग्य है और जिसको हम भविष्य के अंदर जानेंगे वह, और अविज्ञातम जो हमने नहीं जाना है वह, ये जो नहीं जाना जा सकता वह, वो भी ये तीन ही हैं। कैसे, तो एक एक को लेके कह रहे हैं, यत्किंच विज्ञातम वाचस् तद्रूपम, जो कुछ जाना गया है वो वाणी का रूप है, क्योंकि वाणी होती है वो प्रकट कर देती है, प्रकाशित करती है, वाणी से बोलते ही तो पता लग जाता है, तो वो तो विज्ञात है, जो जितना भी विज्ञात है वो वाणी के रूप में है, उसको वाणी कह देते हैं, प्रकाशित है वो। वाग ही विज्ञाता, वाणी ही जानने वाला है, वाग एनम तत् भूत्वा अवति, वाणी है उस, वो इसको विज्ञात करके इसकी रक्षा करती है, ज्ञान रूप होकर के, विज्ञान रूप होकर के ये हमारी रक्षा करती है। तद्भूत्वा अवति, विजिज्ञास्य के लिए आगे कहा, यत्किंच विजिज्ञास्यम मनस्तद रूपम, जो जानने योग्य है वो सारा मन रूप है, अभी जाना नहीं है लेकिन जानने योग्य है, तो प्रकट है वो तो वाणी रूप में हो गया ज्ञात, और अप्रकट रूप में है वो जानने योग्य है, जानने योग्य हमारे लिए मन की स्थितियां हैं, वो जाननी है हमें। यत्किंच विजिज्ञासम मनस्तद रूपम, मनो ही विजिज्ञास्यम, क्योंकि मन ही विजिज्ञास्य है, जानने के योग्य है, जो भविष्य में जाना जाने वाला है। मन एनम तद्भूत्वा अवति, मन इसको विजिज्ञास्य रखते हुए रक्षा करता है, इस रूप में रक्षा करता है, वो एकदम मन की चीजें सामने नहीं आ जाती हैं, पता नहीं लग जाती हैं दूसरों को, वो विजिज्ञास्य जानने योग्य है, एकदम नहीं जाना जाता है, वाणी से कहा वो प्रकट हो गया, मन में है वो तो परोक्ष रूप से हमें पता लगता है, अन्य चीजों से हम संभावना करते हैं, विजिज्ञास्य। आगे, यत्किंच अविज्ञातम प्राणस्य तद्रूपम, जो कुछ हमने नहीं जाना है वो ऐसा है जैसे कि वो प्राण का रूप है, जैसे प्राणों को हम नहीं जान पाते पूरा, ऐसे वो है। प्राणो ही अविज्ञात है, प्राण हमारे लिए अविज्ञात है, प्राण को हम पूरा पूरा नहीं जान सकते। अभी श्वास प्रश्वास लेते हैं ये तो हमें यूं पता लगता है, लेकिन वैसे जो सूक्ष्म रूप से प्राण शक्ति है, ऊर्जा है, वो अंदर हमारे को पता नहीं लगती है। प्राण एनम तद भूत्वा अवति, प्राण इसको उसी रूप में होके अविज्ञात होकर के ही, अविज्ञात रहते हुए ही ये रक्षा करता है। वाणी हमारी कब रक्षा करती है, जब वाणी विज्ञात बनती है, विज्ञात रूप में आती है तो हमारी रक्षा करती है, वाणी यदि विजिज्ञास से हो जाए या तो अविज्ञात हो जाए तो हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी। हम किसी की वाणी सुनते हैं, कोई बोलता है तो जब अगर उसकी वाणी प्रकट होती है, स्पष्ट होती है, तभी तो वो बचा पाती है। हम कुछ बोलेंगे दूसरे को पता लगेगा, उसके हमारे कार्य आदि निकलेंगे, उसके निकलेंगे, हमारी रक्षा तो तब है जब वाणी प्रकट हो जाए, स्पष्ट हो जाए, विज्ञात हो जाए, नहीं तो वाणी व्यर्थ है। जैसे दूसरी भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं तो हमारी रक्षा नहीं कर सकती है, तो वाणी तो वास्तव में तभी कहलाएगी वो, जब वो विज्ञात को, और वो विज्ञात को ही बताती है और स्वयं भी ज्ञात रूप होती है। और मन है वो विजिज्ञास से है, ज्ञात नहीं होता है,
अगर मन पूरा ज्ञात हो जाए तो भी नहीं चलेगा काम, तो वो अविज्ञात विजिज्ञास से रहता है। जाना तो जा सकता है, थोड़ा थोड़ा जाना जा सकता है, प्रयास से जाना जा सकता है, इसी में उसकी महत्ता। इसी तरह वो हमारी रक्षा करता है, और प्राण है वो तो अविज्ञात होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो प्राण एनम तद्भूत्वा अवति। तो आज का जो पाठ हुआ इसमें किसी को कुछ पूछना है या कहना है तो बोलिए। अन्न का प्रयोग, अभी वो जो पीछे पहली इन्होंने शुरुआत की थी कि सात प्रकार के अन्न हैं, ये सात प्रकार के अन्न हैं हमारे लिए, ये सात प्रकार के अन्न हैं, और कौन सा अन्न हमारे लिए साधारण है, कौन से देवताओं के लिए हैं, कौन से आत्माओं के लिए हैं, ये सारा का सारा इसके अंदर बताया गया है। तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए, बोलिए। जो 709 पृष्ठ पे जो प्रसंग आया था कि आत्मा के लिए तीन चीज बताई, मन, वाणी और प्राण, तो इसी के विषय में आगे और कह रहे, तो वहां क्रम बदल दिया, त्रयोलोका एतेवल वाग अयम लोक मनः अंतरिक्ष लोक प्राण, तो क्रम मतलब क्यों बदला और आगे भी कहीं कहीं बदले, कहीं अलग अलग। अब तो लोक की दृष्टि से इनको जहां संगति लगानी थी, लोकों का वर्णन तो ऐसे ही करेंगे ना, पहले पृथ्वी लोक, फिर अंतरिक्ष लोक, फिर द्विलोक, या तो ऊपर से चलेंगे तो द्विलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, लोकों को तो उसी क्रम से करना पड़ेगा। तो लोकों को लिया और उनकी जिस लोक की जिसके साथ में संगति थी उसको जोड़ दिया, वो आगे हो गया। ऐसे ही इसी तरह से ये वेद के लिए भी है, इस तरह वाक, मन और प्राण, आगे तो वही चल रहा है, वाक, मन और प्राण इसी क्रम से चल रहा है। पिता माता में, और पिता माता में मन, वाक और प्राण ये आ गए। इसमें सब में जो जिस विषय को, जो प्रतिपाद्य विषय है उसकी मुख्यता रखते हुए उसके क्रम के अनुरूप इनको व्यवस्थित किया है इन्होंने। ठीक है, और ओ आचार्य जी, यहां पर जो आत्मने अकुरुता अन्यत्र मना अभूवम न अदर्शम अन्यत्र मना अभूवम न अश्रोषम इति, तो ये जो कहा जाता है कि मन के द्वारा एक समय में एक ही कार्य होता है, तो ये इंद्रियों की दृष्टि से कि मन चूंकि अणु होने से एक बार में एक ही इंद्रिय से जुड़ता है तो इसलिए एक बात को जानता है, लेकिन जो मन से जाना जाता है केवल इंद्रियों के, इंद्रियों से निरपेक्ष, तो वो तो एक साथ बहुत काम कर सकता है। उसके लिए भी मन में जैसे कोई चिंतन मनन कर रहा है, वहां पर भी एक एक क्रमशः ही आता है, एक साथ दो चीजें नहीं आती हैं। हम जो मनन कर रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वाक्य हैं, एक बिंदु पे सोचा, एक साथ अनेक को वहां भी हम निर्णित नहीं कर पाते क्योंकि केंद्रित नहीं हो पाएंगे वहां पर, और फिर वो गड़बड़ हो जाता है। अगर ज्यादा तीव्रता से करने लगे तो भी गड़बड़ हो जाता है वहां भी एक एक करके ही होता है। विषयों को ग्रहण करना तो एक एक करके है ही, ये सिद्धांत है, व्यापक सिद्धांत करते रहते हैं। उसी रूप से यहाँ पर इंद्रियों को लेकर के ही कहा है, और बाकी तो योग दर्शन के अंदर जैसा आया है वो आगे भी और बात आएगी सिद्धियों के अंदर, या तो समापत्तियों के प्रसंग में भी बात आई है कि वो एक ही क्षण में बहुत सारी चीजें जान लेता है, वो एक अलग एकाग्रता होती है अतीत, अनागत और वर्तमान के धर्मों को एक साथ उपस्थित कर लेता है, इत्यादि जो बातें हैं उद्भूत अनुद्भूत जो है उन सबको जो ले लेता है, वहाँ एक अलग शक्ति सामर्थ्य है। लेकिन सामान्य रूप से हम अपनी विचारधारा को जब भी देखें तो एक साथ कुछ विचार आए हों, हमारे को अचानक बातें सूझ गई हों, तो भी उसमें क्रम तो रहता ही है, आगे पीछे तो थोड़े रहते ही हैं, तेजी से आ जाते हैं, इतना तीव्र तो है ही, इसलिए हमें लगता ही है कि एक साथ बहुत सारे कार्य हो गए। तो यहाँ ये केवल मन की महत्ता बताना चाह रहे हैं कि आत्मा को जो चीज प्राप्त हो रही है वो तो मन से ही प्राप्त हो रही है, इंद्रियां करती हैं, और मन अगर आत्मा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है जिस इंद्रिय के साथ, तो उसको प्राप्त नहीं हो पाती है, इतना ही कथन है। इसलिए आचार्य जी, जो युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम कहा जाता है, तो वो केवल इंद्रियों से संबंधित है या फिर अंदर से भी? अंदर से भी है, वो मैंने आपको कहा, आपका उसी प्रश्न को आप दोहरा रहे हैं ना, तो अंदर से भी संबंधित है, मैंने यही कहा। सामान्य रूप से जो है, विशेष स्थिति को छोड़ दीजिए, सामान्य रूप से तो अंदर के लिए भी है।
पूछिए कहना आचार्य जी। इस प्रसंग में दर्शन में क्रमशः अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति कहा है, तो अक्रमशः से युगपत भी लेते हैं वहां, ठीक है, वो एक अर्थ है उसका। क्रमशः मतलब एक एक करके, और अक्रमशः का जो एक साथ भी जो होता है, तो वो तो योग के संदर्भ में है, हो सकता है वो शक्तियां, जैसे कि अभी मैं बोल ही रहा था, वो योग दर्शन का संदर्भ दिया कि एक साथ जो है उसी को लेकर के वहां अक्रमशः एक अर्थ उसका वो किया है, कह सकते हैं, वो एक प्रक्रिया है, मान सकते हैं उसको भी एक सीमा तक। इसमें जो प्रतीक रूप में अन्न का कहा है ना कुछ, कि प्रतीक रूप में केवल खाता है, केवल मुख मुख से खाता है, तो मुख से जिस तरह हम थोड़ा सा लेते हैं, जितना जितना मुख में आता जाता है उतना ठीक तरह से उतना 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 लेकर के हम खाते हैं। अब सामान्य रूप से मान लो हम इतना मुंह में ठूस लेते हैं कई बार की जो मुख की मात्रा से अधिक हो जाता है, वो ठीक नहीं। और ये जो अन्न की महत्ता सारी बताई कि देवताओं को भी प्राप्त करता है, देवताओं को भी देता है, और उससे उसको भी लाभ हो जाता है और अन्न भी हो जाता है, इसलिए ये जो सारा का सारा अन्न है देवों के लिए, देवताओं के लिए यही कहा जाता है ना। राक्षसों और देवताओं में क्या अंतर था, जो कहानी एक आती है जो राक्षस और देवों को बोले, राक्षस और देवों में क्या अंतर है, तो बोले ठीक है इनको भोजन के लिए बुलाते हैं पता लग जाएगा क्या। तो वो उन्होंने उनके हाथों पर बांस बांध करके हाथ सीधे कर दिए, मोड़ नहीं सके, और जितना अच्छा है उतना अच्छे से अच्छा भोजन दे दिया और समय निश्चित कर लिया। तो प्रसिद्ध कहानी है, तो दोनों को अलग अलग बैठा दिया, तो जो समय था मान लो आधा घंटा 15 मिनट, वो खा पी करके बाहर निकले, तो देवता तो सब तृप्त होकर के निकले खा पी करके, और राक्षसों को, राक्षस अपनी जी भी फेरते हुए निकले, तो थोड़ा बहुत तो अंदर गया, और जो मुंह के आसपास लगा हुआ था उसको चाटते हुए निकले, और तो क्या करते, कपड़े भी खराब मुख भी खराब, तो वो तो स्वयं स्वयं खा रहे थे। तो बस ये देवत्व की जो यहाँ सारी बात कही गई अन्न की, कि वो अकेले नहीं खाता है, वो दूसरों को भी देता है, अपने आसपास वालों को भी देख करके परिवार आदि उसको देते हुए और करता है। और अन्न का इतना महत्व रह जाता है, वैसे तो अन्न थोड़ा सा होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर अन्न के बारे में, खान पान के बारे में अगर हम भेदभाव कर देते हैं हमारे आसपास या घर के अंदर, किसी बच्चे को ये हो गया, किसी बच्चे को वो हो गया, अब यहीं से शुरुआत हो जाती है गड़बड़ की, आपस के संबंध हैं वो बिगड़ जाते हैं, किसी ने किसको दिया, इसको वो दे दिया, उसके बच्चों ने ज़्यादा खा लिया, उसने अपने आप ज़्यादा घी लगा के खा लिया, हमारे पे रोटी कम लगाया, उसने चीनी ज़्यादा ले ली, उसने कम ली, इत्यादि इत्यादि बातें, सब्जी दाल ज़्यादा ले ली, ये गड़बड़ वहाँ पर शुरू हो जाती है, क्योंकि ये साधारण है, ये साधारण है, जितना साधारण रह पाता है, एक जैसा रह पाता है उतना ही ठीक चलता है, हमें जितना लेना है उतना लिया, बाकी औरों के लिए जितना लग सकता है उतना लगेंगे। परोक्ष रूप से इस बात को कह रहे हैं, और ईश्वर की दृष्टि से, ब्रह्मा की दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से जो इन्होंने कहा, ये सारे अन्न उत्पन्न कौन कर रहा है, वो ही कर रहा है, सब प्राणी खाए जा रहे हैं, दिन भर खाते हैं, कितने लोग कितना खाते हैं सब प्राणी, और फिर भी खाना खत्म नहीं होता है, वो अक्षिति नाम दे दिया उसका, वो क्षीण ही नहीं होने देता है, लगातार उत्पन्न होने देता है सबका, जिसका जो आहार है, शाकाहारी है या मांसाहारी है, जिसका जैसा आहार है सृष्टि में उसके लिए वो आहार होता ही रहता है, होता ही रहता है, कब से देखो सृष्टि चल रही है इतने लंबे समय से, और सबके लिए आहार उपलब्ध हो रहे हैं, होए जा रहे हैं, होए जा रहे हैं, होए जा रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, वो समाप्त नहीं होने देता है। ये उस परमात्मा की कृपा को, भाव को हम मन में रखेंगे कि वो हमारे लिए अन्न को दे रहा है और उसका कुछ प्रयोजन है, और हमारे लिए जितना नियत किया है हम उतना लेते हुए चलेंगे तो ये जीवन में अच्छा अच्छा चलता जाएगा। तो परमात्मा ने देखो मेधा और तप से इस सारे कार्य को किया, मात्र मेधा से भी नहीं होता है और मात्र कर्म से भी नहीं हो पाता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ
सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।